एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान के श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में लिफ्ट देने के बहाने महिलाओं को लूटने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने क्षेत्र में इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दिया। आरोपी युवकों ने कई वारदातों को स्वीकार किया है। इनसे पुलिस पूछताछ कर अपराध हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इनसे अल्टो कार, बाइक, नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। लूट की रकम सहित अन्य माल भी बरामद किया जाना शेष है। थानाधिकारी रामूराम मीणा के अनुसार आरोपी युवकों ने 4 सितंबर, 8 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर को वारदातों को अंजाम दिया। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे में गुरुवार रात बैंक डकैती करने वाले अज्ञात लुटेरों का शुक्रवार दोपहर तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। अलबत्ता पुलिस ने गुरुवार देर रात को हरियाणा के डबवली सदर इलाके से बैंक मैनेजर की कार को बरामद कर लिया। इस बीच पुलिस ने देर रात उप शाखा प्रबंधक सुशील कुमार की रिपोर्ट पर अज्ञात तीन युवकों पर 1,13,00,000 रुपए की नकदी लूटने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी इंद्र कुमार ने बताया कि बैंक मैनेजर की कार डबवली सदर इलाके में लवारिस मिली है। उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। शुक्रवार को मौके पर डॉग स्क्वाड को निरीक्षण करवाकर लुटेरों का सुराग लगाने का प्रयास किया गया। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की व्यापारिक फर्म से 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने की जांच के लिए एसओजी की टीम श्री गंगानगर पहुंच गई है। टीम द्वारा मामले से जुड़े लेनदारों को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। दोपहर तक तीन जनों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। एसओजी के एएसपी हरिप्रसाद सोमानी के नेतृत्व में एक टीम गुरुवार रात को गंगानगर पहुंच गई। एसओजी टीम द्वारा 40 करोड़ रुपए की इस धोखाधड़ी के मामले में पीड़ित व्यापारिक फर्म से लेनदारी जता रहे 6 लोगों को बयान देने के लिए बुलाया गया है। श्री गंगानगर सदर थाना क्षेत्र के गांव कालियावाली स्थित नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है। जांच अधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि सुखविंदर सिंह उर्फ काका सहित एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। राजस्थान में ग्राम पंचायत के पहले चरण के लिए लोक सूचना जारी हो चुकी है। श्री गंगानगर जिले में भी कल से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंच सरपंच का चुनाव लड़ने वाले कोविड से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति को नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले प्रार्थना पत्र देना होगा। यह प्रार्थना पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। इसके बाद ही पंच सरपंच के इच्छुक अभ्यर्थी अपना नामांकन दाखिल करवा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति देंगे। श्री गंगानगर जवाहर नगर थाना पुलिस ने प्लाट बेचने के नाम से धोखे से 1,10,000 रुपए हड़पने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार प्रकाश देवी निवासी अशोक नगर बी ने रिपोर्ट देकर बताया कि लेखराम और चरण मीत ने उसके साथ प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की। आरोपियों ने धोखे से उससे 1,10,000 रुपए हड़प लिए। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों में कोरोना के कारण मार्च में स्थगित परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई। ये परीक्षाएं 20 अक्टूबर तक चलेंगी। श्री गंगानगर जिले में विश्वविद्यालय से संबद्ध 77 कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा 3 पारियों में ली जाएगी। इस बार प्रश्न पत्र हल करने के लिए परीक्षार्थियों को 2 घंटे का समय ही मिल पाएगा। परीक्षा की पहली पारी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, दूसरी पारी 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा तीसरी पारी दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक होगी। श्री गंगानगर जिले की अनूपगढ़ पंचायत समिति की 20 ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी आज सुबह रवाना हो गए। चुनाव शाखा के प्रभारी जगदीश कामरा ने बताया कि 20 पंचायतों के लिए रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी को आज चुनाव भंडार से चुनाव सामग्री देकर रवाना किया गया है। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा के बाद 20 सितंबर सुबह 11 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों की सूची फाइनल की जाएगी। इन पंचायतों में प्रथम चरण 28 सितंबर को चुनाव संपन्न होंगे। द्वितीय चरण के लिए रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी 22 सितंबर को रवाना होंगे। वापसी में चुनाव सामग्री चुनाव भंडारण में जमा करवाएंगे। पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी स्थान पर पुनर्मतदान होने पर भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन ग्रुप 2 विभाग के संयुक्त शासन सचिव राजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश के जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है।
श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ शहर पुलिस ने धोखे से चेक लेकर खाते से 25,00,000 रुपए निकलवाने के मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार अमरीक सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया कि पुराना हाउसिंग बोर्ड निवासी सुरेश चंद्र ने उसके साथ धोखाधड़ी पूर्वक चेक प्राप्त किया। बाद में आरोपी ने उसके फर्म के खाते से उक्त चेक द्वारा 1,23,000 रुपए निकाल लिए। हनुमानगढ़ पुलिस जिले भर में बाइक चोरों पर नियंत्रण पाने में असफल साबित हो रही है। लगातार बाइक चोरी की वारदातें होने के बावजूद पुलिस इनकी रोकथाम नहीं कर सकी है। इसी का नतीजा है कि टाउन थाना क्षेत्र में गत दिवस 2 बाइक और चोरी हो गई। पुलिस के अनुसार कुलदीप सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसने गत दिवस घर के बाहर अपना बाइक खड़ा किया था। बाद में देखा तो बाइक गायब था, अज्ञात उसे चुरा कर ले गया। इसी तरह राजेश कुमार की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ बाइक चोरी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ जिले की भिरानी पुलिस ने सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करने वाले किसानों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गत दिवस सत्य प्रकाश चाहर, सुदेश गोदारा, जगदीश खोड़, सुनील बराड़ सहित 125 किसानों ने बिना परमिशन लिए छानीबड़ी स्थित उप तहसील के सामने चक्का जाम किया। आरोपियों ने सड़क के बीच में ट्रैक्टर खड़े कर आवागमन ठप कर दिए, जिससे जनता को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से पेट्रोल डीजल की बिक्री करने पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार सीओ अतर सिंह ने गत दिवस कार्यवाही करते हुए विनोद कुमार को अवैध रूप से पेट्रोल डीजल की बिक्री करते हुए पकड़ा। मौके से 30 लीटर पेट्रोल, 130 लीटर डीजल और बिक्री उपकरण बरामद किए गए। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना रोगियों की संख्या 1666 हो गई है। इनमें शुक्रवार सुबह नए आए 6 पॉजिटिव भी शामिल है। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर केएस कामरा ने बताया कि आज सागर कॉलोनी में 1, मोहर सिंह चौक वार्ड नंबर 14 में 1, गांव कालिया शक्ति नगर में 1, सेतिया कॉलोनी में 1, सूरतगढ़ वार्ड नंबर 31 में 1 और सब्जी मंडी एरिया में 1 कोरोना रोगी नया मिला है। जिले में कल एक ही दिन में सर्वाधिक 90 कोरोना रोगी आने से सभी सत्ते में आ गए हैं। इससे पहले भी 3 बार 80 से अधिक रोगी एक साथ सामने आ चुके हैं। और अब कोरोना जागरूकता को लेकर एक खास खबर पर नजर डालते हैं। कोरोना काल में जयपुर के व्यापारियों के बाद अब जोधपुर के लोगों ने भी अपनी समझदारी और सूझबूझ से बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए जोधपुर वासियों ने 19-20 सितंबर को 36 घंटे का स्वैच्छिक जनता कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। कल श्रीगंगानगर में भी एक ही दिन में 90 कोरोना रोगियों के मिलने और जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1666 तक पहुंचने के बाद यहां के लोग भी ऐसी सूझबूझ का परिचय दे सकते हैं। इसके लिए जरूरत एकजुटता से निर्णय लेने मात्र की है। जोधपुर की जनता की ओर से कोरोना महामारी की चपेट में आए वहां के 250 से अधिक दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने और 2500 कोरोना रोगियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील की जा रही है। इस जनता कर्फ्यू को वहां की अनेक संस्थाओं ने समर्थन का ऐलान भी कर रखा है। जिस तरह से श्रीगंगानगर जिले में कोरोना विस्फोटक हो रहा है, उससे बचने व इसकी चेन को तोड़ने के लिए यहां भी 48 घंटे के जनता कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। शहर की अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी और व्यापारी भी इसके लिए तैयार हैं। ऐसे में सामूहिक निर्णय के साथ ही इसकी घोषणा का इंतजार हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।